प्रेपोजिशन वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य समान शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए काम आते हैं। प्रेपोजिशन तीन प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस, फ्रेजल प्रेपोजिशंस। या आप प्रेपोजिशंस को इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ संबंध बताने के लिए प्रेपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में एक लड़का अपने दोस्त के साथ खड़ा है, के साथ के लिए विद का प्रयोग किया जाता है और ठीक His friend के पहले with का प्रयोग किया गया है। सेकेंड पिक्चर में एक बॉल जो है टेबल के ऊपर है, बॉल का संबंध जो है वो टेबल के साथ बताया गया है, तो ठीक टेबल के पहले on का प्रयोग किया गया है। थर्ड पिक्चर में एक लड़की दीवार के पास खड़ी है, लड़की का संबंध जो है वो दीवार के साथ बताया गया है, ठीक दीवार के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। एट द वॉल जो है वो स्थान है और ठीक इस स्थान के पहले एट का प्रयोग किया गया है। सिंगल प्रेपोजिशंस वे प्रेपोजिशंस जो एक शब्द है, जैसे एट, ऑन, बाय, एटसेट्रा। फॉर एन एग्जाम्पल, रीता इज सिटिंग एट द डेस्क। रीता एक डेस्क के पास बैठी है। इस सेंटेंस में रीता का जो संबंध है वो डेस्क के साथ बताया गया है, तो ठीक डेस्क के पहले एट का प्रयोग होगा। कंपाउंड प्रेपोजिशंस। कंपाउंड प्रेपोजिशंस ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे इनटू, अक्रॉस, बिसाइड, एटसेट्रा। द स्टूडेंट्स वेंट अक्रॉस द रोड टू कैच द बस। विद्यार्थी बस को पकड़ने के लिए सड़क के उस पार गए। ठीक रोड के पहले अक्रॉस का प्रयोग होगा। फ्रेजल प्रीपोजिशंस वे प्रीपोजिशंस जो दो या दो से अधिक प्रीपोजिशंस को मिलाकर बने हैं, जैसे विद इन, इन फ्रंट ऑफ, एटसेट्रा। द गर्ल सैट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। लड़की एक दर्पण के सामने बैठ गई। इस सेंटेंस में लड़की का जो संबंध है वो मिरर के साथ बताया गया है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने। लड़की दर्पण के सामने बैठ गई, तो इस सेंटेंस में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग जो है वो मिरर के ठीक पहले होगा।